उद्देश्य ये है कि जैसे हमको पता लग गया तो हम लोग उसको 51 रुपये का इनाम की घोषणा हमारे मतलब नगर निगम लेवल से तय की गई है कि उसमें इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जिस व्यक्ति ने वहाँ पे कूड़ा डाला हम उसके ऊपर कई गुना फाइन करने वाले हैं। ठीक है, उद्देश्य ये है कि नागरिक भी जागरूक हों, आम व्यक्ति भी जागरूक हो, जो व्यक्ति गंदगी फैला रहा है उसको भी जागरूक करना है। प्यार से नहीं मानेगा तो फाइन करके मानेगा, हमें सबको सिस्टम को ठीक करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ग्वालियर में अब कचरा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो भेजने पर आपको मिलेंगे 51 रुपए। 24 घंटे में व्हाट्सएप पर 450 से अधिक फोटो आए हैं। ग्वालियर में नगर निगम की सीमा में कचरा फेंकने वालों के फोटो या वीडियो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करने वालों को तत्काल 51 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बशर्ते जिस मोबाइल नंबर से आपने व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो भेजा है उस पर आप फोन पे, गूगल पे और अन्य वॉलेट को यूज भी करते हो। सोमवार को यह अभियान नगर निगम ने शुरू किया। पहले दिन व्हाट्सएप नंबर पर 450 शिकायतें फोटो और वीडियो के साथ आई हैं, पर इनमें से 95% मामले कचरे के ढेर के हैं और 5% में फेंकने वाला साफ नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए किसी को भी 51 रुपए का इनाम नहीं मिल सका। ऐसे स्वच्छता को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल ने व्हाट्सएप करके बताया कि इनाम के लिए किस तरह के फोटो और वीडियो शेयर करें। स्वच्छता में लगातार पिछड़ने के बाद ग्वालियर की रैंक सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पहले नगर निगम के अफसरों का दल इंदौर पहुंचा और वहां प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ इंदौर का भ्रमण किया। यहां अफसरों से इंदौर मॉडल को समझा और उसी मॉडल को ग्वालियर में अपनाने की योजना है। इसके साथ साथ स्वच्छता की दिशा में ग्वालियर ने एक नया कदम उठाया है। आपको बता दें, नगर निगम ने एक व्हाट्सएप नंबर 9406915779 जारी किया है। इस नंबर पर नगर निगम के किसी भी स्पॉट से कचरा फेंकने वालों के फोटो या वीडियो बनाकर भेजने पर 51 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। सोमवार से यह प्रयास लागू कर दिया गया है। पहले नगर निगम ने कचरे के फोटो और वीडियो भेजने वालों को 51 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन पहले नगर निगम ने कचरे के फोटो और वीडियो भेजने वालों को 51 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इस योजना में संशोधन कर कचरा फेंकने वालों के फोटो को जरूरी बताया गया है, जिससे गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। इस योजना को सोमवार से लागू किया गया है। पहले दिन नगर निगम के व्हाट्सएप नंबर पर 450 फोटो वीडियो आए हैं, पर लोगों ने गली मोहल्लों, बाजारों में कचरे के ढेर या गंदगी के फोटो और वीडियो भेजे हैं, लेकिन कचरा फेंकने वालों के फोटो किसी ने शेयर नहीं किए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कचरा फेंकने वालों के फोटो तो भेजे हैं पर वो साफ नहीं है, जिस कारण किसी को भी 51 रुपए का इनाम नहीं मिल पाया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 51 रुपए का इनाम पा सकते हैं। इस योजना में यदि किसी को 51 रुपए का इनाम जीतना है तो उसे सबसे पहले अपने उस नंबर से व्हाट्सएप पर फोटो या वीडियो अपलोड करने होंगे जिस पर वह ई वॉलेट जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाता हो। साथ ही कचरा फेंकने वालों के फोटो वीडियो मानक के अनुरूप होंगे तो तत्काल नगर निगम के फोन पे अकाउंट से उस नंबर पर 51 रुपए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये ग्वालियर सरकार की पहल, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।